हेलो एवरीवन, आज के हमारी दिवाली स्पेशल रेसिपी है बेसन के लड्डू, जिन्हें बनाना बेहद ही आसान है और आप जितनी क्वांटिटी चाहें उतनी बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पेज पर जाके सब्सक्राइब का बटन क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें तुरंत नोटिफिकेशंस पाने के लिए। यहाँ पर मैंने पैन गरम करने चढ़ा दिया है। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ एक कटोरी भर के घी, जिसमें से एक से डेढ़ चम्मच मैंने रोक लिया है। एक कप, एक कटोरी, एक गिलास या किसी भी कटोरी का नाप आप ले लें। अब मैं डाल रही हूँ सेम कटोरी के नाप से दो कटोरी बेसन। आपको बेसन बहुत मोटा या बहुत बारीक नहीं लेना है, जो भी अवेलेबल हो उससे ये बन जाएंगे। अब आप इसे कंटिन्यूसली चलाना शुरू करें। जैसे जैसे आपका घी गर्म होगा, वैसे वैसे आपके बेसन का टेक्सचर चेंज होता जाएगा। आप इसे 4 से 5 मिनट चलाते रहिए। जैसे जैसे आप इसे चलाएंगे, बेसन बिल्कुल चेंज होता जाएगा, इसका कलर चेंज होगा। पहले ये बहुत गाढ़ा हो जाएगा, फिर ये सेमी लिक्विड हो जाएगा और फिर से ये ड्राई होने लगेगा। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पैन में घी आने लगा है और बेसन अच्छे से सिकने लगा है। आपको इसमें अपनी फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है, मीडियम फ्लेम पे भी आपको नहीं करना है। अगर आप इसे लो फ्लेम पे सेकेंगे धीरे धीरे, तो आपको लड्डू जब बेसन के खाएंगे तो उनमें कोई कच्चापन नहीं लगेगा। इसलिए आप बिल्कुल लो फ्लेम पे चलाते रहिए बेसन को लगातार। इसमें घी बार बार आने लगेगा और कलर हमारे बेसन का चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हैं घी बाहर आ रहा है। फिर हम इसे मिक्स करते हैं। लो फ्लेम पे अगर आप बेसन सेकेंगे तो 20 से 25 मिनट आपको लगने चाहिए। मेरा जो पैन है वो हैवी बॉटम है और नॉनस्टिक है, तो बेसन जलेगा तो नहीं, लेकिन अच्छा गोल्डन कलर आने में इसको 20 से 25 मिनट लगेंगे। या आप मान के चलिए कि 20 मिनट, 22 मिनट, 23 मिनट, कुछ भी लग सकते हैं। यहाँ मैं बिल्कुल थोड़ा सा येलो कलर डाल रही हूँ, जिससे मेरे लड्डू बिल्कुल येलो दिखें, ब्राउन कलर के ना दिखें। क्योंकि जैसे ही हम बेसन सेकते हैं तो बेसन के लड्डू ब्राउन दिखने लग जाते हैं, इसलिए इसका कलर येलो मेंटेन रहे, इसलिए मैंने थोड़ा सा येलो फूड कलर डाला है। आप सिंथेटिक कलर का यूज़ ना करें, नेचुरल कलर्स का यूज़ करें। अब इसे हिलाते हिलाते हमारे जो बेसन है अच्छा सा गोल्डन हो गया है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इस वक्त। जैसे जैसे घी बाहर आने लगे, उसे वापस मिक्स कर दीजिए बेसन के अंदर और लगातार चलाते रहिए। आपको 20 मिनट या 25 मिनट लगातार चलाना होगा, क्योंकि जैसे ही आप इसे छोड़ देंगे वैसे ही उस पर्टिकुलर पोर्शन का कलर डार्क हो जाएगा और हमें इस समय इवन फॉर्म में रखना है अपने बेसन को। यहाँ मेरा बेसन अच्छे से सिक चुका है और मैंने अपनी गैस को ऑफ कर दिया है। अच्छे से हिलाने के बाद यहाँ मैं 2 से 3 बड़े चम्मच पानी के छींटे डाल रही हूँ और बेसन को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। ऐसा करने से हमारा बेसन बिल्कुल दानेदार हो जाएगा। इस समय आप पानी को एक बड़ी कटोरी में रखें और हाथ में ले लेके छींटे डालते रहें। जितना अच्छा आप इसके अंदर पानी का छींटा देंगे, उतना अच्छा हमारा इसका बेसन सिक जाएगा, एक एक दाना खिल जाएगा बेसन का। ये स्टेप करने से जो आपका बेसन का लड्डू है वो बहुत अच्छा बनता है और आप इसे इस तरह से ज़रूर करिएगा, क्योंकि जो हमने बेसन सेका है वो एकदम दानेदार फॉर्म में आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं अपने बेसन को ठंडा कर रही हूँ। जब हमारा बेसन ठंडा हो जाएगा या हाथ लगाने लायक हो जाएगा, तभी हम इसके अंदर मीठा डालेंगे। मीठे में आप कोशिश करिएगा कि बूरा डालें। यहाँ मैंने 1/2 चम्मच के करीब पिसी हुई इलायची का पाउडर डाला है और अब मैं इलायची का पाउडर अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। इलायची का पाउडर कभी भी गैस ऑन में या पहले नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उसकी खुशबू उड़ जाती है। इसलिए जब मिक्स थोड़ा ठंडा हो गया है तब मैंने इलायची का पाउडर डाला है। इलायची के पाउडर को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे मैं 2 से 2.5 कटोरी तगार डालूँगी। तगार या बूरा जिसे हम बोलते हैं, उसको बहुत फाइनली आप मिक्सी में चला लें। अगर आप बाज़ार का यूज़ कर रहे हैं तो भी उसको मिक्सी में अच्छे से चला लें, और अगर आप घर में बनाते हैं तो भी उसको फाइन पाउडर बना लें। अच्छे से बूरे को मिक्स कर लें इसके अंदर बेसन के मिक्स में। जब आपको लगे कि अब आपके बेसन में बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है,
तब आप 1 से 1.5 चम्मच जो हमने घी बचाया था उसे मिला दें और सारे मिक्स को एक साथ इकट्ठा करके अब आप इसके धीरे धीरे लड्डू बना सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपका मिक्स बहुत ड्राई है तो आप इसमें थोड़े से गरम दूध के छींटे भी डाल सकते हैं या आप इसमें गरम घी भी डाल सकते हैं। यहाँ मैं अपने लड्डू बनाना शुरू कर रही हूँ और इन पे मैं गार्निश कर रही हूँ पिस्ते की कतरन से। आप चाहें तो काजू भी लगा सकते हैं या बादाम भी लगा सकते हैं। आप तगार की रेसिपी मेरे चैनल पे देख सकते हैं, मैंने दी हुई है। बस बेसन के लड्डू के अंदर आपको अपना तगार या बूरा बहुत बारीक पाउडर्ड फॉर्म में डालना है। यहाँ मेरे लड्डू बनके तैयार होते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कलर की वजह से कितना अच्छा येलो कलर आया है। अगर आप येलो कलर नहीं डालेंगे तो ये थोड़े से ब्राउन दिखेंगे। मेरे बेसन के लड्डू इस दिवाली के लिए तैयार हैं, तो आप भी मेरी तरह घर में दिवाली स्पेशल बेसन के लड्डू बनाइए, अपने घर वालों को खिलाइए और बताइएगा आज की आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इन बेसन के लड्डुओं को बनाना बहुत आसान है, कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। अगर आप मेरी रेसिपी को ट्राई करते हैं तो आप मुझे टैग करें फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे। मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी इसके बारे में आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।